हेलो एवरीवन, लगातार चल रही सीयूईटी की एंट्रेंस एग्जामिनेशन के काउंसलिंग प्रोसेस अभी एंडिंग मोमेंट पे आ चुका है। पिछले एक महीने से वेट कर रहे बी फार्मा स्टूडेंट इन द एचएनबी जीयू गढ़वाल यूनिवर्सिटी की तरफ से हाईली अपडेट बाय द 26 नवंबर 2022 रिगार्डिंग द स्पोर्ट काउंसलिंग प्रोसेस इन एचएनबी जीयू। तो चलिए देख लेते हैं। तो गाइस, एचएनबी जीयू के अंदर जो है आपकी 2 दिसंबर को काउंसलिंग हो रही है बी फार्मा एंड डी फार्मा यूजी एंड पीजी बच्चों के लिए। तो क्या सर अपडेट है कंप्लीट के अंदर जाने के, इससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमने एक स्टार्टअप चैनल स्टार्ट किया है जिसका लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जरूर से जाके जो उसको जरूर से जाके सब्सक्राइब करिए। ऑलमोस्ट इस वीडियो को हजारों लोग देखेंगे तो यार मतलब कुछ तो शर्म किया करो भाई, आपको ही बोल रहा हूँ, मतलब भगवान से डरो जनाब। पिछले एक महीने से मैं बोल रहा हूँ कि उस पर भाई 100-150-200 सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद जो है यूट्यूब के ऊपर मैंने देखा है वीडियोज के अंदर हजारों लोगों ने वीडियोज देखा लेकिन उसको किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। मतलब फरीब कोर्स भाई, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेके जाता हूँ रोज मैं आप लोग के लिए, डालता हूँ कुछ ना कुछ कि भैया कोई कहाँ पे उत्तराखंड में बैठा होगा, कोई राजस्थान में बैठा होगा, कोई बिहार में बैठा होगा, कुछ हेल्प हो जाए। बहुत सारे गर्ल्स स्टूडेंट के कॉल आते हैं, बहुत सारे बच्चों के कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि भैया हमारा एडमिशन हो चुका है, भैया हमारा एडमिशन नहीं हुआ है, भैया हमको एक साल के लिए फिर से नीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए नहीं, या भैया हमको जेई की करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या करें क्या नहीं करें, पूरा कंप्लीट के अंदर हम बताते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बताते हैं। कुछ कुछ चांसेस के अंदर जहाँ पे भी एडमिशन होता है वहाँ पे कुछ फ्यू अमाउंट चार्ज करते हैं, जो कि जो है हजारों लोग हजारों काउंसलर जो है आपको हजारों लाखों रुपए चार्ज करें, हम सिर्फ 1900 रुपये में 2000 रुपये में आपका कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट करके देते हैं। और भाई तुम लोग जो है वहाँ पे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं करा सके, ऐसे हो तुम लोग, और नीचे कमेंट बॉक्स में डाके कमेंट डालते हो। अगर वो कमेंट करने वाले लोग भी अगर सब्सक्राइब करें ना तो कम से कम 100-200 सब्सक्राइबर तो अभी तक हो जाते। अरे शर्म करो कुछ, भगवान से डरो, हाँ आप ही को बोल रहा हूँ भाई। तो गाइस चलिए देख लेते हैं, मतलब दुखी कर देती हूँ, ऐसा लगता है कि क्यों मेरे को क्या फायदा होता है ऐसे बना के, कोई मजा नहीं आता मेरे को भी अपना टाइम खराब करके, कि कोई राजस्थान में बैठा होगा किसी का एक साल खराब ना हो, दुखी कर देते हो मुझे तुम लोग। ठीक है तो देखते हैं, अभी अभी तो जाके कर लो भाई, अभी तो जाके कर लो, अभी भी समय पड़ा है। हाँ तुम्हें ही बोल रहा हूँ यार, क्यों करते हो ऐसा। तो गाइस अभी देखते हैं काउंसलिंग एंड रिपोर्टिंग टाइम की अगर बात की जाए, हिमवती गढ़वाल यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ पैरामेडिकल साइंस एचएनबी जीयू गढ़वाल कैंपस श्रीनगर गढ़वाल जिसको बोला जाता है, उत्तराखंड के अंदर है ये, जम्मू कश्मीर में नहीं जाना आपको, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर ही बोला जाता है इसको श्रीनगर। तो यार जो है आपको रिपोर्टिंग टाइम है वो 2 दिसंबर को है, ऑलमोस्ट 10:30 से 2:30 बजे तक। तो ट्राई करो कि ऑलमोस्ट 9 बजे तक आप लोग जो है पहुंच जाओ वहां पे। काउंसलिंग डेट और टाइम भी आपको ऑलमोस्ट वही दिया गया है जो 2:30 बजे, यानी कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलमोस्ट 10:30 बजे के आसपास लंबी लंबी लाइनें लग जाती है यार। बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, उत्तराखंड के भी काफी सारे स्टूडेंट आ चुके हैं, ठीक है, आजकल तो वहाँ पे एक करेज बना हुआ है व्लॉगर बनने का, तो लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स एचएनबी जीयू गढ़वाल यूनिवर्सिटी में भी आपको बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे, जबकि आपको कैमरा लेके आ जाएंगे आपके सामने, हेलो दोस्तों किस ब्रांच में एडमिशन लेना आपको, हेलो गाइस देख सकते हो एडमिशन के लिए बच्चे आए हैं, हम इनकी हेल्प करते हैं। तो यार काफ़ी सारे आपके सीनियर भैया भैया वगैरह वगैरह आपको मिल जाएंगे जो कि आपकी हेल्प करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूनिवर्सिटी के अंदर लिमिटेड बच्चों के लिए हॉस्टल है एंड ऑलमोस्ट बच्चे वहाँ पे अभी आ जाते हैं तो हॉस्टल वगैरह मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, हो सकता है आपको मिल भी जाए तो जिस प्रकार से आप देख सकते हो, लेकिन आपकी जो भी सारे हैं एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ आने जाने का रहने का खाने का पीने का सब कुछ आप ही को देखना है। यूनिवर्सिटी आपको जस्ट लाइक TA DA कुछ भी नहीं देने वाला, सब कुछ आप ही को देखना है, ठीक है। तो आपको काउंसलिंग डेट एंड टाइम 2 दिसंबर से है एंड आपको रिपोर्टिंग एड्रेस मैंने बता दिया है, लेकिन यार इसके लिए कुछ कंडीशंस है, आपके कुछ मार्क्स रिक्वायरमेंट है कि इतने मार्क्स होने चाहिए इतने नहीं होने चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह बता देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट लॉट ऑफ स्टूडेंट बिहार से यूपी से राजस्थान से पंजाब से जाएंगे वहाँ पे, कुछ अप्लीकेशन की बात अगर अपन कर ले तो यार आपको मार्कशीट लेके जानी है एक तो, एंड आपको जो है जो भी ट्रांसफर सर्टिफिकेट माइग्रेशन करेक्टर एंड गैप सर्टिफिकेट एंड इसके साथ ही आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट और जस्ट लाइक जो भी कैटेगरी का लेके जाना है, मेक श्योर डेट कि आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट अप्रैल
जस्ट लाइक 31 मार्च 2022 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा है, द कैंडिडेट मे नोट दैट दिस लेटर इज ओनली फॉर स्पोर्ट काउंसलिंग एंड इट डिज नॉट गिव एनी गारंटी फॉर द एडमिशन, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है एंड आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग रिस्क लो और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लो और वहाँ पे जाओ, पहुँचो एडमिशन के लिए, ठीक है। रिस्क तो जायज आपको लेना पड़ेगा। ट्यूशन फीस की अगर बात की जाए यहाँ पे पीजी वाले बच्चों के लिए, तो यार यहाँ पे जो 50,000 रुपये ट्यूशन फीस मेरे को शो कर रहा है पर सेमेस्टर, ट्यूशन फीस रिफंडेबल है, 5,000 रुपये ले रहे हैं एंड टोटल फीस आपको 55,950 लेके जानी है पीजी वालों के लिए। यूजी वालों की अगर बात की जाए तो यूजी वालों के लिए कुछ मार्क्स एंड क्राइटेरिया दिया गया है बी फार्मा के लिए। तो यहाँ पे लिखा गया है कि सीयूईटी का जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो आपके 215 से लेके अगर 255 के बीच में है तो आप वहाँ पे जा सकते हो। एंड बी फार्मा वालों के लिए भी रिपोर्टिंग टाइम यही दिया गया है 2/12/2022, ठीक है। आपकी फीस स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो आपको टोटल फीस 26,950 लेके जानी है यूजी वाले बच्चों को। ये तो वहाँ पे जमा होगी, आपके अंदर एक्स्ट्रा चार्जेस आप खुद वे कर सकते हो, ठीक है, और भी आप लेके जा सकते हो। पीजी वाले बच्चों के लिए 55,000 कुछ लेके जाना एंड वहाँ पे एचओडी के नंबर दिए गए हैं, और भी कोई डाउट हो तो आप उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। ये आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे कि कितने मार्क्स पे एडमिशन हो जाएगा। हालांकि यूजी वाले बच्चों के लिए जो है कुछ क्राइटेरिया दिया गया है 215 से लेके 255 मार्क्स तक बी फार्मा वाले बच्चों के लिए। तो यार ये एक बड़ा अपडेट है एंड आपको काफ़ी सारा टाइम दे दिया गया है, जस्ट लाइक आई थिंक 5 से 6 दिन का टाइम दिया गया है, 2 दिसंबर को ये सारा प्रोसेस होने वाला है। एंड कुछ अगर अदर काउंसलिंग की अगर बात करें तो यार एमबीए का जो है स्पोर्ट राउंड के रिगार्डिंग नोटिस आ चुका है रिगार्डिंग इन द HNPGM गढ़वाल यूनिवर्सिटी में। तो भैया एमबीए कब होने वाला है ये भी आप देख लो। तो गाइस डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ स्पोर्ट राउंड इन एमबीए 26 तारीख को नोटिस आया है ये, और आपकी जो है आपका जो यार जो होने वाला है वो नोटिस में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तीन बारह 2022, ठीक है। टोटल फीस है 21,450। नोटिस को जरूर से पढ़ ले, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट नोटिस है, काफी सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, फीस पेमेंट वगैरह वगैरह का भी नोटिस आ गया है, स्पोर्ट काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। आप लोगों को जो है फीस पेमेंट करना है 29 तक, जो भी 29 दिया गया है, और आपकी बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है तो ये लोग जो है जल्द से जल्द अपने 3 तारीख तक अपना वेरिफिकेशन करवा लें और जो भी गाइडलाइंस का पालन करें। उसके बाद कुछ और भी अपडेट आई है, जैसे गर्ल्स हॉस्टल की अपडेट आ चुकी है, लिस्टें आने लगी है, जैसे पीजी की गर्ल्स स्टूडेंट की लिस्टें आ चुकी है, बहुत सारे बॉयज स्टूडेंट की लिस्टें आ चुकी है। तो इन सब बातों का सारे के सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। तो ये थी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट, और जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको रियल में एडमिशन लेना होता है वो हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकता है, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया गया, उस पर कॉल लगाइए, हमारी एक्सपर्ट टीम आपके इसके रिगार्डिंग पूरी हेल्प करेगी। राइट, थैंक यू सो मच, खूब पढ़ते रहो, छोटों से प्यार करो, बड़ों का सम्मान करो, और हाँ मेरे चैनल को जरूर से जाके सब्सक्राइब करो, ठीक है, थैंक यू।